के ऊपर नहीं आ सकते हैं। अल्लाह को प्यारी होगी भाई, अफसोसनाक है। मेरी पूरी क़यादत इस पर बड़ी कमजद है, बड़ा अफसोस का इजहार कर रही हूँ। हम यहाँ पर हॉस्पिटल, मेरी लोकल जो लीडरशिप है सारी अल्लाह पर मतलब है, और उनके लवाहकीन भी यहाँ पर तशरीफ लाए थे, क्योंकि मेरे घर के भी मेरे वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, हमारी छोटी बेटी और बहनों की तरह से जब भी मिलना उनके साथ यही होना कि बेटा क्या हाल है। मैंने हमेशा उनको बेटा कह के ही पाया। बड़ा बड़ा दिल दुखी है कि वो सिलसिला हुआ। और दूसरी बात ये है कि ये मुनासिब भी है बात करते हुए, ये लाजमी बात है कि मेरी क़यादत ने कहा है कि हम इतना भी हो सकते हैं उनकी जो कफालत के मामला थे उनके बच्चों के, वो इंशाल्लाह खड़ा करेंगे। इस वक्त मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी तरफ से क्वेश्चन पुट होना था, आप उनके कोलीग हैं, आपका दिल भी उतना रंजीदा है, शाहिद है, ये भी साथ साथ रहता है असम्बली में, सदर से बेशुमार दफ़ा मुलाकात आते जाते होती है। इंतहाई मैंने इससे ज़्यादा मेहनती फीमेल के अंदर रिपोर्टर मैंने नहीं देखी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आज अब मैं नहीं है तो मैं रवायती नहीं, जब भी उसे देखा वो मेहनत करते हुए देखा, हर किसी का अच्छे अंदाज में बुलाना, बड़ी ज़बरदस्त वो बच्चे की, अल्लाह ताला उसका दर्जात बुलंद करें। बड़ा दुखी दिल है, दुखी दिल के साथ ये बात कर रहे हैं कि वो अल्लाह के पास चली गई, अल्लाह ताला उसके वर्सा को सब्र जमील दे, उसके बच्चों को सब्र जमील दे, उसको अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम दे, और उसके जितने भी कुलीग हैं अल्लाह ताला इनको भी सब्र दे, क्योंकि लाजमी बात है कुलीग का रोज़ाना उठना बैठना एक दूसरे के साथ बड़ा शेयरिंग होती है, अल्लाह ताला उसके लिए आसान। हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं सहाफ़ियों की तरफ से, क्योंकि हमारी वो कुलीग है, हम बीट रिपोर्टर्स हैं, और मैं समझता हूँ कि मर्द भी शायद इतने हार्ड वर्कर नहीं होंगे जितने सदफ़ नईम थी। बहुत मेहनती थी वो, हर बीट में वो काम करती थी, और हम ये चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि जो आपने अभी कहा है इस पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएं। उसका एक बेटा है, एक बेटी है, उसके खावंद भी जो हैं वो एक समझ लें कि खुद अपनी फैमिली को चला रही थी, तो ये बिल्कुल होना चाहिए आपकी जहाँ जहाँ हुकूमत है हर हुकूमत की तरफ उसके लिए ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक पूरी सहाफ़ी बराली दुख में है। हम लोग आपको बयान नहीं कर सकते कि कितना दुख है, और आप खुद जानते हैं, आप खुद देखते थे सदफ़ जो है वो कितना थी, वो बिल्कुल उसकी कफालत उनके बच्चों की उनकी फैमिली की जो है इसको 100% छोड़ करें। अच्छा सर, एक सवाल है हमारी तरफ से भी कि ख़ास तौर पर ये फ़ीमेल सहाफ़ी जितनी भी साथ हैं आंदा जो ऐसा भी लाह अमल तैयार किया जाए ताकि इस तरह का हादसा पेश ना आए, उनको स्पेशली फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने सहाफ़ती सरगर्मियाँ तो उन्होंने अंजाम देनी है, इसके लिए वो रिस्क भी लेंगी, तो कोई बेहतर लाह अमल तैयार करेंगे क्या करेंगे। मुनासिब बात की है, सारा दिन जो हमारे जर्नलिस्ट हैं तो अपनी ये सहाफ़ी जिम्मेदारियाँ बात है, ख्वाहिश होती है कि हम जाके इंटरव्यू करें या उसको कैप्चर करें कंटेनर से। मैंने अभी अपनी जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आज कि आप एक अलग कंटेनर जो है वो कंटेनर के पीछे जो चल रहा हो यारा लोगों थले करो जरा फाइव का चैनल नजर आ रहे हो नीचे करो जरा। मेरा ख्याल है कल से इसका नया अमल थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि कंटेनर एक्चुअली ये इंसिडेंट होना नहीं था, अल्लाह की रजा ये जो सात सड़क के डिवाइडर होता है उस डिवाइडर के ऊपर जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपसे, बाकी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से फुटेज मिल ही जाएगी। मुझे जब वो जो डिवाइडर था सदर उसके ऊपर आ गए और उनकी कोशिश थी कि वहाँ पाँव रख के तो कंटेनर पे पाँव रख लिया जाए, तो गैप ज़्यादा था, उन्होंने पाँव रख के वो चलते कंटेनर के ऊपर तो वहाँ से वो स्लिप, यानी कि कंटेनर के ऊपर पाँव नहीं आ सका। कंटेनर का जो हाइट है वो ज़्यादा है और जो डिवाइडर है वो कम है, तो यहाँ से यहाँ पाँव रखते हुए और चलते कंटेनर के ऊपर अगर वो नीचे से हम बैठते हैं जैसे रूटीन में तो वो फिर भी होता है कि जो उसकी स्टेज है कंटेनर की उस पर पाउंड रखते हैं ऊपर से कोई आने लगता है, क्योंकि इस तरह जो इन्होंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है कि इस तरह हुआ कि उनका पाउंड स्लिप हो गया,
बहरहाल इसके लिए जो आपने बात की है कि अलहदा से कोई बंदोबस्त किया जाए, तो मैंने क़यादत को आज बता दिया कि कंटेनर में जो हमारे साथी है सरकार जो पीछे हमारा आ रहा था उसके ऊपर तमाम लोग वहाँ पर सुबह से ही, जब आपकी ड्यूटी चेंज होती है तो एक शिफ्ट करता है, शुक्रिया। थैंक यू।